अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में एक व्लॉग है, टाइटल देख के आपको पता तो चल गया होगा। तो सीन ये है कि हम लोग जा रहे हैं पिंडी, रावलपिंडी। तो मेरे साथ उस्मान भाई हैं। तो उस्मान भाई, आप जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे? जाना चाहूँगा। फिर ठीक है, तो उस्मान भाई भी हमारे साथ पिंडी जाएंगे। तो सीन ये है कि हमने यार दो तीन दोस्तों को कॉल भी की थी कि हमारा प्लान बन रहा है, अगर आप लोगों ने जाना है तो बताएं, बट वो थोड़े से बिजी थे, कुछ इस तरह का सीन हुआ कि वो कहते हैं कि यार जाना पॉसिबल नहीं। हमने बोला भाई कोई बात नहीं, अमीर भाई जाएंगे, साउथ उस्मान भाई जाएंगे, फुल टाइम एंजॉय करेंगे। तो अभी हम निकलने लगे हैं, ट्रेन बस आने वाली है, टाइम हो चुका है 5:35, वो देख सकते हैं आप। ये आई थिंक जूम हाँ हो जाएगा, 5:35 आई थिंक, फोकस नहीं कर रहा। तो एक घंटे के बाद हमारी ट्रेन आएगी, ट्रेन थोड़ी सी लेट है, ये आप देख सकते हैं। तो एक घंटे के बाद तकरीबन ट्रेन आ जाएगी, तो फिर हम निकलेंगे और बाकी का व्लॉग जो है वो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। और कोशिश ये हम करेंगे कि भाई हर जगह पे हम वीडियो बना सकें, ट्रेन के अंदर भी ट्राई करेंगे अगर कोई पॉसिबिलिटी बनी तो। सो कीप सपोर्टिंग एंड बिग लव बिग रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें अच्छे अच्छे। तो हम बस निकलते हैं, और निकलना असल में थोड़ा जल्दी में पड़ा इसीलिए यार थोड़े रेडी भी नहीं हुए, नॉर्मल ही हैं। तो उस्मान भाई, आप इधर आए ना, किधर जा रहे हैं? ये आपको परिंदू की आवाज़ें भी आ रही होंगी, स्पेशली कबों की। उस्मान भाई क्या कहना चाहते हैं आप? असल में हमने थोड़ी देर पहले प्रैंक किया एक दोस्त के साथ कॉल। कोई बात नहीं है यार, जिंदगी में इतने कुत्ते हैं, वो कुत्ते हैं तो क्या बात। अच्छा उस्मान भी, थोड़ा सा गाइड करें लोगों को, जो है ना कुछ कोई अच्छी सी बात बताएं सुबह के टाइम। चलो जी, व्यू व्यू देख ले। अब गुजरात का ये है, वो एक जा रहा है, कुत्ता भी गया उस साइड पे। गुजरात का व्यू है, गुजरात का ये वो है रेलवे स्टेशन। सो अभी अजान वगैरह हो रही है तो मेरा दिल बंद करते हैं वीडियो, थोड़ी देर के बाद बनाते हैं। मैं सुनया मेरे नाम ने सुन के रोया है, मेरे हाल ने सुन के यारा वे दस की करेगा मैं। जी अमीर भाई, कितना टाइम रहेगा ट्रेन आने को? ब्रो अभी तो टाइम काफी है, दिल बांग बांग मेरा टकराया, काका बोल के तस जावे पावा ओदी चूरी नू, रवा च पावा च ओनू लुकोवा कोई मैनू ना रोके, ओ मेरे ढोल जुदाइया दी तेनू क्यों खबर। पुलिस होगा बिल्कुल, ये चीज। जी सीन ये है जी, हमारी ट्रेन बहुत लेट हो चुकी है, ट्रेन आनी थी 6:30 बजे पिंडी के लिए, मैं आपको बताया हूँ। ये देख लें इस साइड पे भी कितने लोग हैं, अभी कैमरा जरा इसलिए नीचे किया हुआ है, पब्लिक प्लेस है, फैमिलीज होती हैं इसलिए। तो बस ट्रेन आ रही है, फिर आपको मिलवाते हैं। फ्रेंड्स फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है, अभी हम आगे जा रहे हैं। और ये तो निकलने भी लगी है भाई, टाइम शॉर्ट था नहीं, इसका मतलब है 6 और 7, ये एक बॉक्स है हमारा, इसमें हम अभी जाएंगे, वो सामने वाला। तो बैठ के फिर बात करते हैं। फाइनली हम पिंडी पहुंच चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, आपको कुछ साइन बोर्ड दिखाते हैं अच्छा सा, ताकि आपको आइडिया हो कि भाई वाकई हम पिंडी आ चुके हैं। तो फैमिली वगैरह काफ़ी हैं इसलिए कैमरा ऑफ करते हैं, आगे जाके वीडियो बनाते हैं। Oh,
अगला वा मजबूरी नू आन जान दी पसूरी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया काव काव बोल के तस जावे पावा क्यों दी चूरी नू रवा च पावा च ओनू लुकोवा कोई मैनू ना रोके ओ मेरे ढोल जुदाइया दी तेनू क्यों खबर नहीं आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे हाँ बनया बनाया दी गल बात की वे होवे आ जा जी। तो फ्रेंड्स फाइनली वी आर बैक, हम दोबारा स्टेशन पे आ चुके हैं, जो हमारे काम वगैरह थे हमने निपटा लिए हैं, ठीक है। जो भी इस समय लोग के प्लानिंग वगैरह थी कंप्लीट है। सो ये मेरे सामने इस टाइम स्टेशन है, ये देख सकते हैं आप रावल मंडी का। सो भी अंदर जाते हैं, टिकट वगैरह कोई पकड़ते हैं करंट, बिकॉज रिजर्व तो करवा नहीं सकते इतनी जल्दी। तो जो हमें मिलेगी पहली टिकट हम उसमें निकल जाएंगे वापस। जी गाइस, फाइनली टिकट हमने ले लिया है और अभी हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, क्रॉस करके उस साइड पर जाएंगे, बिकॉज वो सामने ट्रेन खड़ी है, उस ट्रेन में हम जाएंगे। और वो सामने रावल पिंडी का बोर्ड भी है, ये देख सकते हैं आप। तो टाइम बिल्कुल शॉर्ट है भाई, और ट्रेन में बैठ के बात करते हैं। तेरी झलक शर्फे श्री बल्ली नैना मगध बल्फी, तेरी झलक शर्फे श्री बल्ली बातें कर जो हरफी। अगर मैं बता से निगाहें चुरा तो न लोगे, अगर बढ़ गई है बेताबिया कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लो। तेरी झलक शर्फे श्री बल्ली नैना मगध बल्फी, तेरी झलक शर्फे श्री बल्ली बातें कर जो हरफी। मैं सुनया मेरे नाम ने सुन के रोया है, मेरे हाल ने सुन के यारा वे दस की करेगा। मैं सुनया